अपडेट के साथ आप देख रहे हैं अरुषा टीवी। शामिल करते हैं आज की ताज़ा खबर। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम खबर शामिल करते हैं तहसील खानपुर से। अमीर जमात इस्लामी तहसील खानपुर अजीम मोहम्मद यूनस की ज़ेर निगरानी कम्युनिटी सेंटर खानपुर में मना मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें अमीर जमात इस्लामी जिला हरिपुर सबक उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली हल्का एन 18 गज़न इकबाल खान और सबक उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली हल्का पी के 47 फैसल अवान समेत अमीर जमात इस्लामी एबटाबाद इलाके की मुक्तदर शख्सियात और आवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर मोहम्मद अफजाल मेंबर जमात इस्लामी खानपुर ने गज़न इकबाल खान को फलस्तीनी भाइयों की इमदाद के लिए 25,000 रुपये डोनेशन दी, जबकि उनके एक नौजवान साथी ने भी 5,000 रुपये डोनेशन दी। इस मौका पर मुकर्ररीन ने जमात इस्लामी के मंशूर खिदमात और अज़म पर आवाम से खिताब किया। और हमें इसी रस्ते में लगा रहने की तौफीक अता फरमा। आमीन। दूसरी आयत करीमा सूरह अल इमरान ऐसे मौके पर हमने जब भी कभी देखा है कि कुछ वैसे मायूसी पैदा हो रही हो दिलों में, आज असना प्रोग्राम इस हवाले न ले कि असी अपना जिहड़ा ये असना इलेक्शन होया है जिसके विच असी कैंडिडेट ने तौर पर इलेक्शन कंटेस्ट किया है, इसका जायजा ले सका कि आया इस इलेक्शन ने प्रोसेस के दौरान अपना मुआसबा करा कि असा अपनिया क्या एनर्जिया इस पूरे प्रोसेस ने भी ठीक तरह लगाई, और दूसरा असी इस गल ना तुसा ने शुक्रिया अदा करा कि जिहड़ा न होने ने बराबर वसायल मामलात ने बावजूद इतने इतने बड़े बुर्ज जिहड़े अपने नाल बोल जुलने आ उन्हां दे कि उन्हां पोते जिहड़ी अदाए ते कुरान दी शक्ल नाज़िल होई है उसा वरत के उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार के उन्हें अमली नमूने का असा से पेश किया है, और असा रस हाल है कि किड़ा राह है जिस ते तुसी चल सो ते तुसी कामयाब हो सो, और इस राह तो इलावा इस अल्लाह के रसूल के तरीके तो इलावा बाकी जितने भी तरीके ने सिर्फ और सिर्फ गुमराही और जहालत ने, यह साडा ईमान सी, ये जो साडा ईमान सी साडियां जिंदगियां भी अल्लाह के रसूल सल्लम के तरीके के मुताबिक हो सोन। और अगला फर्ज के है जी मीटिंग में हाजी मोहम्मद यूनस ने कायदीन मुअज्जज मेहमानों और आवाम का शुक्रिया अदा किया। और मैं बिल्कुल सर के बल हाजिर हूँ, मेरे बुजुर्गों सब की आमद का शुक्रिया अदा करता हूँ। सुने गए हमारे जो बड़े हैं जो इनकी उम्र गुजर चुकी है इस निजाम के साथ जदोजहद करने में, तो उनसे ज्यादा हम सुनेंगे कि वो हमें इस जो इम्तिहान गुजरा है इस इम्तिहान में हमने जो काम किया है जैसा भी हुआ है इनकी नजरों के सामने है, और जो आने वाला वक्त है उसमें हमें ये रहनुमाई देंगे कि हमने अल्लाह और उसके रसूल के इस निज़ाम को बलदस्त करने के लिए हमने हमारे हौसले इन्होंने बढ़ाने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो भी साथी यहाँ बैठे हुए हैं जिन्होंने हक की खातिर अपनी गवाही पेश की है वो कामयाब है मेरी नजरों में, ठीक है जी, और अहल ईमान की नजरों में अल्लाह और उसके रसूल के उस मयार में वो कामयाब है। और आवाम में खाना तकसीम किया गया, आखिर में मुल्क कौम की सलामती के लिए खुसूसी दवा की गई।